हेलो। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व सॉल्व। तो एग्जैक्ट डिफरें कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाती है जब वो इस फॉर्म में रखी हुई हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो। ये एग्जैक्ट कहलाती है अगर डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर कि m क्या है डी एक्स का गुणांक और n क्या है डी वाई का गुणांक। इसका मतलब है कि डी एक्स के गुणांक को पार्शली y के सापेक्ष अवकलन कर लें और डी वाई के गुणांक को पार्शली x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लें। ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाती है, और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो उसका सॉल्यूशन हम देते हैं इंटीग्रेशन m डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। इन दोनों इंटीग्रेशंस को निकाल करके दोनों को जोड़ करके बराबर सी के रख देते हैं तो यही हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। लेकिन ये सॉल्यूशन अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना होता है कि इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है। तो देखिए ये एक क्वेश्चन लेकर के अपन समझेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर जीरो। तो ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो रूप में रखी हुई है। यहाँ से हम पहले m निकालेंगे n निकालेंगे। तो देखिए हम इसको कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो से, तो आप पाएंगे m बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और n बराबर है माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब जो m है यानी कि जो डी एक्स का कोफिशियंट है इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब है कि हम एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यही मतलब होता है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट, तो माइनस ए आ जाएगा। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, तो यहाँ से भी माइनस ए आ जाएगा। तो दोनों क्या है इक्वल है, डेल एम अपॉन डेल वाई किसके बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। इसलिए समीकरण हमारी जो दे रखी है वो ये कैसी है एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट है तो हमें दो इंटीग्रल्स निकालने हैं और इन दोनों को जोड़ करके बराबर कांस्टेंट रख देंगे, यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकाला, एम डी एक्स इसको इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन है तो वाई को कांस्टेंट मानते हुए करना है एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस ए वाई इंटू एक्स। इसके बाद इस इंटीग्रेशन एम डी एक्स को हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखिए इसको एक्स क्यूब माइनस ए एक्स वाई को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट, तो एक्स कांस्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा और माइनस ए एक्स वाई का हो जाएगा माइनस ए एक्स क्योंकि एक्स कांस्टेंट है वाई का एक हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एन में से, तो इसको n माइनस डेल वाई डेल वाई ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए इसको n में से घटाएं हम, n हमारा ऊपर देखिए आप n में से घटा दिया, n में n ये रहा माइनस ए एक्स प्लस वाई इसको और इसको माइनस माइनस ए एक्स मीन्स प्लस ए एक्स, तो बच जाएगा आपका वाई इसको। अब ये n माइनस ये जो हमारा निकला है डेल वाई डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स इसको हमें फिर से इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा ये कुल मिलाकर के हमारा कितना आया वाई स्क्वायर, तो यहाँ हमने लिख दिया वाई स्क्वायर, तो वाई क्यूब बाय थ्री। इसलिए समीकरण का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन यानी कि इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस दूसरा इंटीग्रल, दूसरा इंटीग्रल हमारा क्या है वाई क्यूब अपॉन थ्री, दोनों को जोड़ करके बराबर सी के रख दें और यही हमारा कि यहाँ तीन हम एलसीएम लेंगे और ये थ्री सी हो जाएगा, सी कांस्टेंट है तो थ्री सी भी कांस्टेंट होगा और यही हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस मेथड को लगाने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है तो ही हमको ये मेथड अप्लाई करना है। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई बराबर जीरो। यहाँ भी हमने एम निकाला एन निकाला, फिर m को हमने y के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया h आ गया क्योंकि x कांस्टेंट है g भी कांस्टेंट है, n को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो h आ गया
क्योंकि बी भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट। जब हम एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वाई को कांस्टेंट मानते हैं, वाई के सापेक्ष करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट मानते हैं। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसलिए इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो हम फिर वही दो इंटीग्रल्स निकालेंगे, एक इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन एम डी एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन एम डी एक्स आया इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट, तो इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा और इसका बच जाएगा एच एक्स, क्योंकि एच कॉन्स्टेंट एक्स कॉन्स्टेंट है, वाई का एक हो जाएगा, ये आ गया एच एक्स। फिर हमको इसको कैपिटल एन में से घटाना है, कैपिटल एन में से घटाने के बाद ही हम बच गया बी वाई प्लस एफ, ये रहा हमारा ऊपर कैपिटल एन, कैपिटल एन में से इसे घटा दीजिए तो बच जाएगा बी वाई प्लस एफ। इसको फिर हमको इंटीग्रेट करना है रेस्पेक्ट टू वाई, तो वे रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर दिया किसको, बी वाई प्लस एफ को, तो ये बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई आ गया। अब एक और दो दोनों सॉल्यूशंस को हम जोड़ दें, एक तो ऊपर है हमारा ये एक, ये नीचे है हमारा दूसरा दो, दोनों को जोड़ के बराबर सी के रख दें, तो ये देखिए दोनों को जोड़ करके बराबर सी के रख दिया, और यहाँ हमने जो है दो एलसीएम ले लिया है, तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अगले टर्न से हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अभी तक हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक यू।